एम वेरी एक्साइटेड टू सी द सेट नाउ. मुझे वैसे तो पता था कि कैसा है, बट लाइट के बाद वो कैसा बना है और ये कितनी अच्छी फील वीडियो में देगा ये तो खैर बनने के बाद पता चलेगा. बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज इतनी सारी मॉडल्स हैं, सारी बहुत कॉपरेटिव हैं. आमना बाबर से लेके सादिया फैसल, फातिमा, अस्मा जनाब, किरण, ऑल आर वेरी वेरी स्वीट गर्ल्स एंड दे आर रियली वर्किंग हार्ड. सुबह से आई हुई है, मेकअप हो रहा है. हाँ, और इस तरह मेरा दिन भी सारा ऑलमोस्ट गुजर चुका कह सकते हैं आप. मैं आपने देखा मैंने भागम दौड़ की प्रोडक्शन की भी, अभी मैं इसके अंदर एक्ट भी कर रही हूँ ऑफकोर्स, फिर आपको मैं भी तब भी शायद नज़र आऊँ फिर वीडियो में. लेकिन ऑल ओवर इट्स अ वेरी टायरिंग डे एवरी टाइम व्हेन आई हैव टू वर्क बिकॉज प्रोडक्शन का काम ऐसा है कि पहले करते नहीं थे, हमेशा कैमरे के आगे होते थे तो पता नहीं होता था कि कितना हैसल या कितना काम है. लेकिन आई स्वर अपॉन अ गॉड व्हेन यू कम टू प्रोडक्शन यू गेट टू नो बट इवन आटा एंड अ रोटी एंड एंड अ बल्ब कॉस्ट, जो कभी भी मुझे पता नहीं था कि एक बल्ब का क्या प्राइस होता है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर सेट. इट लुक्स वेरी वेरी रोमांटिक. इट लुक्स लाइक अ बीच पार्टी, बीच लाउंज सॉर्ट ऑफ थिंग. पीछे अब तो खैर पानी का वो जो है वो नज़र भी नहीं आ रहा, बट आई कैन सी अ वेरी वेरी कलरफुल वीडियो कमिंग अप. इट्स गोना बी नाइस. दिस इज द डीजे पूल वी हैव एंड ये है मसरूफियत अभी तक. लेकिन अभी भी हमने काम शुरू नहीं किया तो अभी भी हमारे पास पूरा टाइम जो है वो बाकी है. प्रोडक्शन मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट फील है मेरी लाइफ में, क्योंकि इससे पहले मैंने हमेशा मॉडलिंग की और मॉडलिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एवरी थिंग. सो दो डिफरेंट लाइफ्स और चीज़ें गुजारने का मौका मिला है. वी कैन ऑल्सो कम टू द बार एंड सी के कैसा सिनेरियो बनाया एंड इट लुक्स फैबुलस एक्चुअली. यस, और मुझे तो बहुत अच्छी फील आ रही है सेट में बैठ के, और जब म्यूजिक ऑन होगा आई थिंक बहुत कोई डांसिंग वीडियो बनेगा ये एंड पे. अक्सर दी डे में बताना पड़ता है कि आप कैसे इस फील्ड में आए, कैसे हुआ. सो वेरी शॉर्टकट. मैंने कभी भी मॉडलिंग का नहीं सोचा हुआ था. मेरी एक फ्रेंड है गर्ल जिसके साथ मैं आई हैड टू हैपन कि मैं उसके साथ एक रिहर्सल पे गई और एक मॉडल जो है वो नहीं आई, और जिसकी वजह से फिर मैंने जंप इन किया. गुल ने कहा हाँ हाँ ये कर लेगी एंड आई वाज लाइक ओके, बिकॉज मैं जर्मनी से आई हुई थी अपनी बेटी के साथ एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू फर्दर इन माय लाइफ. सो ये कर लिया और उसके बाद फिर काम शुरू हो गया. सो इतनी छोटी सी कहानी है कि सोचा नहीं था, लेकिन फिर मॉडलिंग की, फिर एक्टिंग की, फिर होस्टिंग की एंड अब आई एम डूइंग प्रोडक्शन एज वेल. द प्रोडक्शन इज मोर फॉर मी अ बिजनेस देन शोइंग एनी क्रिएटिव मोर क्रिएटिव स्टफ, बट स्टिल इसमें भी मौका मिल जाता है. जैसे आपने आज का सेट देखा और इसमें भी मौका मिल जाता है थोड़ा अपना तरह से कुछ क्रिएशन, कुछ क्रिएटिवनेस दिखाने का. तो सेट्स में हम लोग मिलके बहुत इनपुट रखते हैं कि एक दूसरे के साथ हम बात करके डिसाइड करें कि क्या करना है. बट मेरे लिए मोर एक बिजनेस की तरह आया है प्रोडक्शन. वेयर एज होस्टिंग जो मैंने डेढ़ साल लाइफ में की एंड आई डिड लाइक मोर देन 170 एपिसोड्स ऑफ दैट मॉर्निंग शो काइंड ऑफ थिंग. इट वाज नॉट एक्चुअली अ मॉर्निंग शो, इट वाज मोर देन अ टॉक शो देन अ मॉर्निंग शो. बट वो काफ़ी अर्सा किया जिसकी वजह से वो होस्टिंग का एक्सपीरियंस भी हो गया और बहुत इन्जॉय किया मैंने होस्टिंग को भी. मुझे बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मिलने का, उनसे बातें करने का मौका मिला. होस्टिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पेशा है जहाँ आप बहुत डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और फिर उनकी डिफरेंट लाइफ जिस तरह उन्होंने गुजारी होती है वो पता चलती है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस डूइंग होस्टिंग. अब एक्टिंग इज द नेक्स्ट टारगेट. सो लेट्स सी व्हाट्स इन द पाइपलाइन. आई एम नॉट वन ऑफ देम हु विल से हाँ हाँ मैंने ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, फलाना भी कर रही हूँ. मैं आई थिंक हर चीज़ अपने वक्त से हो तो अच्छी लगती है. बट येस, डेफिनेटली एक्टिंग इज ऑन द इन द पाइपलाइन दिस टाइम. ये मेरा मोबाइल और उसमें गाना डाउनलोड हो रहा था म्यूजिक कासिम, उसमें म्यूजिक डाउनलोड हो रहा था. अली ने ईमेल पे भेजा हुआ है मुझे, प्लीज चेक कर लें. हाय स्टाइल 360 अ डे विद फिया. अभी मेरे भाई ने मुझे जर्मनी से म्यूजिक पीस भेजा है कंपोज करके. आई जस्ट वांट टू चेक इट हाउ इट इज. सो और फिर बाकी देखें हम सेट में. क्या आप देखें मेरी हसीन स्वीट हार्ट ब्यूटीज बैठी हुई है यहाँ पे जो मेरे साथ सुबह से मेरे साथ है.
फैशन वीडियो तो ऐसे ही कट टू कट ही लगाएंगे ना हम शॉर्ट्स। लेकिन आप इसमें क्या मूव्स बनाएंगे? तो फिर उसका खाली म्यूजिक चला लें, क्योंकि फैशन वीडियोस तो ऐसे ही होते हैं ना जान बगैर उसके ज्यादा। लेकिन इस पे साइम क्या डांस करेगा? मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इस मूव्स होंगे, डांस नहीं उस तरह होगा। हुसैन आप जाए प्लीज, आमना की आप मैरून कर दो या रेड कर दो, मुझे एक शेड दो, जाओ सही करके आओ। तो अगर तुम ये हो ना पहले अपना आप दिखाएंगे ऐसे, मतलब तुम यू आर लुकिंग एट द पीपल एंड यू नो, फिर आप वापस दोबारा ग्लास में आई, आपने ग्लास पकड़ा है, फिर आपने देखा है, आपने सिप लिया है, फिर देखा है, फिर ड्रिंक रख के आप ऐसे भी कर सकती हैं घुमा के, यू नो आप देख रही हैं और पार्टी में क्या हो रहा है। तो ये फिया की जिंदगी का एक मसरूफ दिन था, वन ऑफ द बिजी डेज, और अभी बहुत सारे मजीद बिजी डेज आएंगे जिनको आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं हम टीवी और स्टार 360 पे, क्योंकि हमारे साथ आप लोगों का साथ जो होता है वो हमेशा होता है। कम ही ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आप लोग हमारे साथ ना हो। शादी मैं जब करूँगी ना तो स्टार 360 तो पास ही होगा और साथ भी होगा, बहुत जल्द होगा। अभी हम थोड़ा सा काम कर ले प्रोडक्शन के काम में, शादी का सीन कहीं फिट नहीं हो रहा अभी, तो अभी हम बहुत सारा काम करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे तो सबको बुलाएंगे। और मैं उनसे मिली थी एक ड्रामे के शूट पे, क्योंकि जो आप यहाँ के पीछे एक डायरेक्टर है ना मुझसे बहुत पर्सनल सवाल करने की कोशिश कर रहा है, जिनके पे कोई जवाब नहीं दूंगी बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी मेरी सारी ज़िंदगी का पता है। सो वैसे भी आजकल आप पता है आप सिर्फ गूगल करें और सारी ज़िंदगी की फैक्ट्स इंसान की निकल आती है, तो अगर मेरे बारे में आपको कुछ और पता करना है तो आप गूगल कर लें, वरना तो आपने इतना हसीन दिन मेरे साथ गुजारा। आई थिंक स्टाइल 360, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी, कीप मी इन योर विशेज इन योर प्रेयर्स एंड आई बी सीइंग यू अराउंड बिकॉज लाहौर पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल एंड द इंडस्ट्री इज़ ब्यूटीफुल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।